सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार नोट 6 प्रो पे कस्टम रोम की वीडियो बनाओ, नोट 6 के लिए क्यों नहीं आप बना रहे हो, क्यों यहाँ पे बीटा अपडेट वगैरह की नोट 6 प्रो के लिए नहीं आ रही है। तो यार अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे नोट 6 प्रो में कोई भी चाइना रोम आपको नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आपने मेरी पुरानी MIUI 11 की जो बैच लिस्ट आ गई थी, कौन से बैच में किसको मिलेगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि नोट 6 प्रो भी आपको उस बैच में किसी लिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। अब ये क्यों है? क्योंकि चाइना रोम नहीं है, वो लिस्ट है चाइना रोम के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि नोट 6 प्रो जब भी इसमें अपडेट आएगी वो स्टेबल रोम की ही आएगी, कोई भी बीटा रोम उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना ही EU रोम की आपको कोई भी बीटा अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि EU रोम चाइना रोम पे ही बेस्ड होती है। अब यहाँ पे नोट 6 प्रो पे अब उन्होंने EU रोम निकाली है नोट 6 प्रो के स्टेबल वर्जन पे, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज वो कितनी धमाकेदार यहाँ पे रोम है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे स्टेबल रोम का नए जो बीटा फीचर्स जो आए हैं MIUI 11 वाले, उनका अगर आप मज़ा उठाना चाहते हो तो आप इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। फिर से आपको क्लियर कर दूं कि MIUI चाइना रोम नहीं है, तो कोई भी उम्मीद मत लगाना कि आपको पहले बैच में MIUI 11 देखने को मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको आज दिखा दूं तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ MIUI 10 की लेटेस्ट EU रोम जो कि स्टेबल है 10.3.5.5 पे, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट आपको आई थी यहाँ पे इसको देखने को मिल गई थी। अब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जब मैंने इस रोम को फ्लैश करा था कि इसके अंदर इतने सारे नए नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि MIUI 10 के जो बीटा है उसमें देखने को मिलते हैं, वो आपको इस स्टेबल अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था, आई एम लिटरली शॉक्ड हो गया था मैं कि यहाँ पे इतने फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर पहले होता तो आपके लिए बहुत पहले वीडियो ये बना दी होती, लेकिन अब मैंने यहाँ पे फाइनली इसको फ्लैश कर लिया है और इसमें फीचर्स देखे तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। तो आज मैं आपको वीडियो बना के पूरी दिखा रहा हूँ कौन कौन से फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। लिटरली आपको एंड में बता भी दूंगा इंस्टॉल कैसे करना है, काफ़ी ईजी है, और अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। लिंक आपको एज यूजुअल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस EU रोम का Redmi Note 6 Pro का दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा दूं तो ये EU रोम देखने को मिलती है 10.3.5 पे बेस्ड है, और यहाँ पे ऑल स्पेक्स में चल के आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पे 6.5 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको देखने को मिलता है नोट 6 प्रो के लिए। तो यहाँ पे ये अब स्टेबल ग्लोबल स्टेबल पे बेस्ड है, इसलिए मुझे लगा था ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फीचर्स भरमार देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले आपको डिस्प्ले में लेके चलूं तो डार्क मोड आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑप्शन मिल जाएगा बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे। तो यहाँ पे अगर आपका दिन है तो दिन में आपका ब्लू जो आपका लाइट मोड है वो रहेगा, रात है तो यहाँ पे आपका डार्क मोड हो जाएगा। तो ये फंक्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। फॉन्ट साइज़ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें खासियत ये है कि आप कोई भी फॉन्ट अपना थर्ड पार्टी फॉन्ट भी थीम ऐप में जाके इसको लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये चाइना रोम का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सपोर्ट, तो इसलिए इसमें थीम स्टोर भी चाइना रोम का आपको देखने को मिलेगा। तो आप कोई भी थर्ड पार्टी आपकी थीम भी है तो वो भी आप इसमें लगा पाओगे बिना किसी दिक्कत के, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। साथ ही ऑप्शन मिल जाएगा टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेक, अगर आपके कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है, सिंपल आप फिंगरप्रिंट सेंसर में आप टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो इसका भी ऑप्शन और एक को नया मिल जाएगा। अब यहाँ पे वॉलपेपर में चाहे तो लिटरली यार ये वॉलपेपर में जो नया फीचर आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से नए वॉलपेपर का आपको पूरा लुक देखने को मिलेगा, ये अभी नया बीटा के लेटेस्ट अपडेट में ही मुझे देखने को मिला जो कि ये आया है नया फीचर। तो इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से नए स्क्वायर टाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पे शॉर्टेड है, साथ ही नीचे आपको ऑनलाइन वॉलपेपर नीचे से ही देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा। लिटरली यार मैं पहले ही बता दिया, शौक हो गया था कि इतने सारे फीचर्स स्टेबल में आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। थीम ऐप्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे थीम्स देखने को मिल जाएंगी, इंपोर्ट भी आप थर्ड पार्टी थीम जैसे कि मैंने आपको बताया आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, तो उसके अंदर भी आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। साउंड वाइब्रेशन में आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आप सब चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। चलते हैं लॉक स्क्रीन पासवर्ड में, तो फेस डाटा मैनेज फिंगरप्रिंट। अब यहाँ पे आ जाएं हम वॉलपेपर कैरोसेल में, तो वॉलपेपर कैरोसेल में अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि वॉलपेपर कैरोसेल आप लगा सकते हो दोनों ही, अगर आप चाहो तो आपके जो होम स्क्रीन वॉलपेपर है उसमें, साथ ही साथ आपका जो वॉलपेपर है लॉक स्क्रीन में उसको भी। तो ये चीज़ आपको चाइना रोम के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन अब यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया गया है कि आप कहीं भी लगा सकते हो, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी EU रोम के अंदर, जो कि काफ़ी कूल यहाँ पे लगता है। तो आपको इस तरीके से बिना एड्स, एक तो पहले चीज़ बता दूं कि एड्स आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, तो आप जितने चाहो आप उतने यहाँ पे
लगा सकते हो। तो अप्लाई वॉलपेपर में जाके आपको सिंपली इसको चेंज करना है, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। आपका लॉक स्क्रीन में भी वॉलपेपर लग जाएगा, होम स्क्रीन में भी लग जाएगा, और इसमें कोई भी एड्स नहीं आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी लिटरली अच्छी बात है। अब यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में चलेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा जैसे लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट का, जो हमको अभी स्टेबल अपडेट में देखने को मिला था। उसके अलावा आपको और भी पॉकेट मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। होम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो हमको स्टेबल मिलते हैं, लेकिन नया भी मिल जाएगा जो कि है होम स्क्रीन लेआउट। सिर्फ दो नहीं, चार इसमें आपको होम स्क्रीन लेआउट देखने को मिल जाते हैं, 4x6, 4x7, 5x6, 5x7, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ऑप्शन नए नए देखने को मिल जाते हैं। फुल स्क्रीन डिस्प्ले, हाइट नॉच वगैरह आपको सेम एज यूजुअल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें बैटरी एंड परफॉर्मेंस की, तो आपको यहाँ पे सीन्स देखने को मिल जाएंगे स्लीप मोड में, चूज ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पावर यूजेज आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप जाओगे तो इस तरीके का हिस्ट्री आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अंदर जो आपको लेटेस्ट मियो 11 वाला सिक्योरिटी ऐप है वो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी दमदार फीचर जो कि मियो 11 का है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, अभी आपको पूरा आगे दिखाऊंगा। मियो आई लैब में आप फोटो AI प्रीलोडिंग वगैरह को ऑन कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी है। एडवांस ऑप्शन में आपको यही सब कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो सारे ऑप्शन हैं ये सब हमको स्टेबल रोम में पहले ही देखने को मिल गए थे, और मोस्टली सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी देखे होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आगे नहीं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात कर लें ऐप वॉल्ट की, तो ऐप वॉल्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे स्मूथ ऐप वॉल्ट आपको देखने को मिलता है, बिना एड्स वाला, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको यहाँ पे ऐप वॉल्ट इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो तो कवर इमेज भी लगा सकते हो ऐप वॉल्ट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं आपको कवर इमेज लगा के दिखा देता हूँ, तो इतना सा सेट करता हूँ और ये देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर कवर इमेज भी सेट कर सकते हो ऐप वॉल्ट के अंदर, जो कि काफ़ी कूल फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब स्टेबल रोम के अंदर है, फुली स्टेबल रोम है, काफ़ी अच्छी स्मूथ आपकी वर्क करती हुई रोम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि एड्स आपको कहीं भी लिटरली नहीं देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है। सिक्योरिटी एप्स यहाँ पे लेके चलूँ तो गेम स्पीड बूस्टर पहले हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे टैप करते हैं गेम स्पीड बूस्टर में, सेटिंग में आपको दिखा दूँ तो अभी हॉरिजॉन्टल वाला जो कि आपको आइकन मिलता था वो गेम स्पीड बूस्टर फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा बैटरी वगैरह में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटेड टास्क वगैरह आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा कि इस टाइम पे आप ये सेट कर सकते हो कि यहाँ पे आपका फ़ोन स्लिप में चला जाए, या ये चीज़ बंद हो जाए, वो चीज़ चालू हो जाए, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही साथ फेसबुक क्लीनर, डीप क्लीन वगैरह ऑलरेडी हमको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह आपको सेम एज यूजुअल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कैलकुलेटर में, जो कि है आपको यहाँ पे इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो कैलकुलेटर को अपने स्क्रीन के ऊपर, और जब चाहो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये फीचर आपको लेटेस्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। आप इसकी ओपेसिटी भी इधर हटा सकते हो और इसको क्रॉस भी कर सकते हो, यहाँ से बंद कर सकते हो। ये फीचर पूरा आपको नया देखने को मिलता है, जो कि किसी में अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको दिखा दूँ, कैमरा, तो यार लिटरली कैमरा में भी पता नहीं किस तरीके से इन्होंने लेकिन इम्प्रूवमेंट करी है। आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अभी ब्लर हो गया मैंने क्लिक करने में, एक बार और क्लिक करके आपको यहाँ पे पिक दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो देख लो काफ़ी स्पीड से क्लिक होती है और कैमरा क्वालिटी लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे कैमरा क्वालिटी लगी इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैनुअल, पैरानोमा और बाकी सारे मोड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब एक और जो फीचर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो है फाइल मैनेजर का, तो ये फाइल मैनेजर भी नोट 6 प्रो के अंदर आपको ये लेटेस्ट MIUI 11 वाला देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे तो यार बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपको इस EU ROM के अंदर, स्टेबल वाली के अंदर ये देखने को मिल जाएगा नए तरीके का आपको यहाँ पर वाला जो कि है फाइल मैनेजर। इसके अंदर आपको नए तरीके का दिखा दूँ तो रिवैम्प होकर पूरा फाइल मैनेजर आपको ये देखने को मिलता है। आपको रीसेंट स्टोरेज वगैरह इधर मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, इमेजेस और इस तरीके के ऑप्शन आपको सारे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा अगर आपको नहीं जाना है रोम में, लेकिन लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके APK को इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हो कि आपके में वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये फाइल मैनेजर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात कर लें इस ऐप की, तो वेदर ऐप में भी आपको नए इंप्रूवमेंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं छोटे मोटे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। कैलेंडर भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट स्टेबल वर्किंग आपको कैलेंडर यहाँ पे मिल जाएगा। थीम ऐप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाइना वाला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर वगैरह का सबका सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी थीम को भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था।
थीम लैब पे आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर और वॉलपेपर, स्लाइड शो वगैरह सब कर पाओगे। बूट एनिमेशन और बूट ऑडियो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे रहती है। लिटरली मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको फ्लैश करा, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करी है, फुली स्टेबल है, बैटरी बैकअप भी फिलहाल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पबजी वगैरह में भी आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा ऐसा मैंने यहाँ पे सुना है। मैंने खुद टेस्ट नहीं किया तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने सुना है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको वर्क करता हुआ मिल जाएगा। ओवरऑल ये EU स्टेबल रोम काफ़ी अच्छी है बिना एड्स के, और काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपको किस तरीके से फ्लैश करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। और क्लियर कर दूँ, बूट लोडर अनलॉक से आपकी वारंटी नहीं जाती है। जैसे ही आप इस रोम को फ्लैश करोगे उसके बाद आपकी वारंटी ज़रूर चली जाएगी, लेकिन अगर आप पुरानी रोम को फिर से अपनी जो स्टेबल है उसको ग्लोबल वाली को फ्लैश करोगे तो वारंटी आपकी वापस आ जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब आपका अगर बूट लोडर अनलॉक है तो एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि TWRP रिकवरी आपको किस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करनी है, फ्लैश करनी है। आप उस TWRP रिकवरी को अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको ये EU रोम की फाइल दे के रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लीजिए। जैसे ही आपने TWRP इंस्टॉल कर ली है उसके बाद आपको TWRP रिकवरी में बूट करना है अपने फ़ोन को। बूट करने के बाद आपको यहाँ पे मैं आगे प्रोसेस दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, आप सिंपल इसको कर पाओगे, अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर पाओगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज़ रस रहता है कि आप यहाँ पे रिकवरी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लो। रिकवरी इंस्टॉल कर ली, अब आपको जाना है वाइप के अंदर, एडवांस वाइप में आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ है सबको सेलेक्ट कर लेना है। इंटरनल स्टोरेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो नहीं करना है तो मत करो, कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पे इंस्टॉल में आपका SD कार्ड पूरा दिखा रहा है, स्टोरेज शो हो रहा है, तो इंटरनल स्टोरेज फ्लैश मत करना। अगर स्लो नहीं हो रहा है तो इंटरनल स्टोरेज फ्लैश वाइप कर देना। तो यहाँ पर आप सब चीज़ को एडवांस वाइप में जाके सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे स्वाइप टू वाइप आपको सिंपल कर देना है। उसके बाद जाना है इंस्टॉल में, आपको जो डाउनलोडेड फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, मेरे पास अभी डाउनलोडेड नहीं है, सेलेक्ट कर लो, स्वाइप टू फ्लैश करो, बस हो गया आपका काम। स्वाइप टू फ्लैश कर लो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता तो पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने दिखाया है करके। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्लैश है, फिर से फ्लैश करनी पड़ेगी, मुझे फिर से सारे काम स्टार्टिंग से करने पड़ेंगे। आपकी फ्लैश हो जाएगी, रिबूट पे क्लिक करो और आपका मेनू आ जाएगा जैसे आपको स्टेबल रोम में जब आप पहली बार फ़ोन स्टार्ट करो तब आ जाता है। सेम आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना है, आपके फ़ोन में आ जाएगी यहाँ पे EU रोम। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं अपडेट हमको इसके अंदर कैसे मिलेगा, तो देखो जैसे ही अपडेट आएगा, अगर ये स्टेबल है, स्टेबल का नया जैसे ही अपडेट आता है आपको अपडेटर ऐप के अंदर आपके शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको वो अपडेट फुल रोम का ही आता है, OTA नहीं आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे EU रोम है तो ये पहले रोम आती है उसके बाद अपना EU अपना फीचर इसमें डालता है, तो इसलिए फुल रोम का आता है। फुल रोम का आपको अपडेटर ऐप के अंदर शो भी होगा, डाउनलोड का भी ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, या मैं लिंक आपको जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो उसका दे दूंगा, वहाँ से कर लो। वहाँ से करने के बाद सिंपल आपको जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लेना, या आप अपडेटर ऐप से करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना डाटा डिलीट हुए, तो ये चीज़ आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल है, क्विक है, अगर आपको करना है कर लो, बेस्ट रोम है मैं बता रहा हूँ नोट 6 प्रो के लिए। मुझे भी पहले विश्वास नहीं होता लेकिन इंस्टॉल करने के बाद मैं कह रहा हूँ यार काफ़ी अच्छी है। EU रोम आपको हर जगह अच्छी ही देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, कोई भी दिक्कत हो अभी भूल गया बताना, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो मुझसे। साथ ही साथ वॉलपेपर कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वो टेलीग्राम चैनल इसका मिल जाएगा वॉलपेपर्स का, तो वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम बैटमैन।